नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रियलमी की तरफ से ऑफिशियली सीओ ने अनाउंस कर दिया है कि बहुत जल्द इंडिया में नोट 9 प्रो आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो क्या कुछ खास फीचर इस फोन में देखने को मिलता है, कब तक ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है और कितनी इसकी बजट होने वाला है, इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या आप लोग इंटरेस्टेड हो इस वीडियो को देखने के लिए? अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। डिज़ाइन की बात किया जाए दोस्तों, इस फोन में आप लोगों को बहुत ही खास डिज़ाइन मिलने वाला है जो कि आने वाला है ग्लोसी ग्रेडिएंट फिनिश के साथ, जो कि आप लोगों को मिलता था रेडमी नोट 8 प्रो फोन में। इसी तरह का डिज़ाइन इस फोन में भी आप लोगों को सेम टू सेम मिलने वाला है और साथ ही साथ आप लोगों को ग्लास बैक का डिज़ाइन भी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों बात किया जाए इसकी प्रोटेक्शन की, तो गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन इस फोन में दोनों साइड में अवेलेबल आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ बात किया जाए इस फोन की फ्रंट साइड की, फ्रंट साइड में इधर आप लोगों को 6.5 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि आने वाला है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट साथ। और दोस्तों उसके साथ ही इस फोन में आप लोगों को 90 गीगाहर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट स्क्रीन मिल जाएगा जो कि गेमिंग एक्सपीरियंस को लेकर बहुत ही खास इस फोन में आप लोगों को मिलने वाला है। तो दोस्तों साथ ही साथ इस फोन में आप लोगों को मिलने वाला है पॉपअप सेल्फी कैमरा जो कि आने वाला है 32 मेगापिक्सल के साथ, जो कि इससे आप लोग बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फोटो आप लोग इससे क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को कैमरा बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप लोग वेट कीजिए, यह फोन इंडिया में बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों वही बात करते हैं इस फोन का प्रोसेसर का, तो दोस्तों प्रोसेसर आप लोगों को मिलने वाला है 735 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है क्वालकॉम की तरफ से। और तो बात किया जाए इसकी कनेक्टिविटी की, तो दोस्तों इधर आप लोगों को ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि इस फोन में आप लोगों को 5G का कनेक्टिविटी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों रेडमी की तरफ से ये पहला फ़ोन होने वाला है जिसमें आप लोगों को 5G का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो बैक साइड में इधर आप लोगों को 108 का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा जो कि आने वाला है 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ, 8 मेगापिक्सल माइक्रो लेंस और 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ। कैमरा बहुत ही खास होने वाला है 108, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का फोटो आप लोग इससे क्लिक कर सकते हो। तो दोस्तों इस फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर बात किया जाए तो इधर आप लोगों को मिलने वाला है 100% क्यू का सपोर्ट, MIUI 11 का सपोर्ट के साथ साथ बैटरी इधर आप लोगों को मिलने वाला है 5000mAh का बैटरी जो कि आने वाला है 13W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। तो वही बात करते हैं इस फोन का रिलीज डेट की, तो दोस्तों इधर आप लोगों को जनवरी 2020 के आसपास ये फोन आप लोगों को इंडिया में मिल जाएगा। तो दोस्तों प्राइस की बात किया जाए तो इधर आप लोगों को 40-15,000 के अंदर ये फोन आप लोगों को इंडिया में मिलने वाला है जो कि आने वाला है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो दोस्तों इंडिया का ये पहला फ़ोन होने वाला है जो कि 5G सपोर्ट करने वाला है इतनी कम दाम में, तो बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए होने वाला है, इतनी लो प्राइस में ये फ़ोन आप लोगों को 5G डिवाइस मिलने वाला है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये फ़ोन बहुत ही पसंद आएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं और फोन में आप लोग क्या क्या अच्छा लगा ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसी टाइप का आप लोग इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे एज पैडर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ इस तरह के खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।